So hey yo, what is up guys, welcome back to my channel The Digital Gentleman. आज का vlog और आज की ride बहुत ही ज़्यादा special होने वाली है क्योंकि it's my first time I am doing solo till Manali. अपनी लाइला पे बाइक वॉश करवा दी थी और ये अपना सामान इस ट्रिप पे मैं फुल्ली पैक होके आया हूँ, मतलब रेन गियर्स वगैरह सब है अपने पास. और एक तो ये बैग है और एक मैंने ये वाला बैग डाला हुआ है. टाइम राइट नाउ इज 7:20, 7 बजे मैं घर से निकला था. बस अभी इधर ये रूपनगर तक जाऊँगा. पहले तो 87 किलोमीटर है वो रूपनगर तक. ये देखो 87. तो अभी तो मतलब सुबह घर से उठ के खाना वाना खा के आया था, तो ब्रेक अभी मैं लूँगा नहीं. पानी वानी मैं पी के आया था घर से, खाना वाना खा लिया, सीधे अब रूपनगर जाके एक ब्रेक लूँगा. और रास्ते में अगर ब्रेक ली तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा. मोटो व्लॉग मैं कर नहीं रहा क्योंकि आपको पता है भाई मेरे पास कैमरा नहीं है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए तो मैं चलता हूँ. ये मैंने जैकेट वैकेट फुल्ली डाल लिया क्योंकि मैं सोलो राइड कर रहा हूँ और सोलो में थोड़ा ऐसे है, मतलब थोड़ा सा बोर हो जाता है. बट गाने वाने सुन के भाई टाइम निकाल लूँगा. सो हे एवरीबॉडी, टाइम हो गया है 8:00, शायद 5 से 10 मिनट हो गए होंगे और मैं बालाचौर तक पहुंच गया हूँ. ये रहा इधर बर्गर किंग और सामने मैकडॉनल्ड्स. इट्स 11:00 एंड रूपनगर मैंने क्रॉस कर लिया था. बीच में एक दो ब्रेक लिए पानी के लिए, बट पीछे मैंने व्लॉग नहीं करा क्योंकि धूप काफ़ी थी. इधर आया, 2-3 टनल क्रॉस कर लिए तो मौसम थोड़ा सा क्लाउडी होना शुरू हुआ है. इधर लगे हुए स्पीड कैमरास एंड मतलब मैं तो स्लो चला रहा हूँ भाई, जहाँ जहाँ मतलब मेरे को कैमरा दिख जाता है मैं 50 से नीचे या 60 से नीचे कर देता हूँ. रास्ता बहुत ज़्यादा साफ है, मतलब रोड सारे ही कंस्ट्रक्टेड है, ऐसा पूरा टारमैक है. अभी मैं 140 किलोमीटर दूर हूँ. आगे मैं कोई ढाबा देख रहा हूँ खाने के लिए, कुछ मेरे को ब्रेकफास्ट करना है. अब मैं आगे जाऊँगा, कोई भी अच्छा ढाबा दिखा उधर एक हॉल्ट लूँगा तो उधर जाके दिखाता हूँ. अभी मैं अपनी लोकेशन से ना 27 किलोमीटर दूर हूँ और मेरे को एक अच्छा ढाबा रेस्टोरेंट टाइप दिखा था. मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा टर्न अराउंड करके. बाइक बाहर खड़ी है और मैंने यहाँ पे पनीर पराठा ऑर्डर कर दिया. मैंने मेन्यू भी नहीं देखा क्योंकि मेरे को पता है भाई पनीर पराठा अच्छा ही होगा. वैसे मैं दूसरी वाली रोटी मतलब मेन कोर्स अपने होटल पे जाके खाऊंगा. राइड अभी तक बहुत अच्छी जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत मज़ा करा मैंने रास्ते में और इतने अच्छे व्यूज़ है ना. मैं आपको मतलब ये एक लेक साइड पर बैठूँगा, मतलब लेक साइड नहीं है, होटल जो है वो लेक के ऊपर है, मैं दिखाता हूँ. ये देखो ये अपना सामान पड़ा है और ये अपना व्यू, भाई क्या ही अच्छा व्यू है. बस मैं इधर खाना खा के बस 27 किलोमीटर रह गया, फिर मैं आगे रोल करता हूँ. मैंने सोचा एक स्टॉप ले ही लूँ, मतलब खाना खा ही लूँ, तो बस पहले मैं यहाँ पे खाना इंजॉय करूँगा और उसके बाद मैं जाऊँगा. सो ये आ गया गाइज अपना पनीर पराठा, अभी टेस्ट करके बताता हूँ. Enjoying पनीर पराठा विद अ व्यू, भाई सोलो राइड का अपना ही मज़ा है. दिस वॉज दी रेस्टोरेंट वेयर आई कुक ब्रेड एंड रियली रिकमेंडेड, खाना इनका टेस्टी है. और सामान मैंने बाहर रख दिया, बाइक अपनी उधर खड़ी है तो बस मैं इधर से रोल करने वाला हूँ. 27 किलोमीटर ओनली रह गया, फिर मैं जाके सीधा आपको वहीं पर दिखाता हूँ. और व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो गया, उधर से तो और प्यारा लग रहा था. जो वैसे गाइस टाइम राइट नाउ इज 5:00 एंड मैं 3 बजे यहाँ पे पहुँच गया था. उसके बाद मैंने आके थोड़ी सी रेस्ट ली, एक घंटा में सो गया. अब मैंने कपड़े चेंज करे थे और ये बाइक अपनी इधर पार्क है और ये रहा एग्जॉस्टेड डॉग भी. और अभी हम जा रहे हैं नीचे वहाँ पे अपने लेक के पास,
हमें यहाँ पे दो भाई लोग मिल गए थे, उनके साथ ही जा रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी भाई। चलो भाई इधर हम करके आ रहे हैं, ट्रैक करके ना नीचे जा रहे हैं तो नदी के पास। बहुत ही मुश्किल रास्ता है ये, देखो ये अपने दो भाई लोग मिल गए, ये रूममेट्स हैं, तो मैं इनके साथ में आ गया। थैंक गॉड कि मैंने ये ट्रैकिंग शूज और ये फुल लेंथ वाली अपनी ट्राउज़र पहनी है, शॉर्ट्स पहन के तो भाई कोई कीड़ा बीड़ा काट लेता। बहुत ख़तरनाक रास्ता भाई। हम इधर पहुंच गए हैं, वहाँ ऊपर से आया भाई, बहुत ऊपर से आए हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है। पानी का शोर काफी आ रहा होगा। अभी हम इधर बैठे थे, मैंने इधर फोटोज वगैरह क्लिक करवाई है, वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगा। और ये भाई तो बोल रहे हैं कि मेरे को पानी के अंदर जाना है। मैं तो नहीं जा रहा भाई, मैंने बस मुंह धो लिया है, इसके बाद बस मैं ऊपर जाके ना कुछ कॉफी वगैरह पीता हूँ, काफी भूख लग गई है। और अच्छा जा रहा है जी, बहुत अच्छा जा रहा है। अभी रात के 8:30 हो रहे हैं और मैं बस वो फोटोज़ वगैरह खिंचा के ट्रैकिंग करके ना ऊपर आ गया था। उसके बाद मैं वहाँ पे बैठा, मतलब कॉमन एरिया है वहाँ पे, बाहर बैठा थोड़ा एंजॉय करा, गाने वाने सुने। और अभी मैं ये खा रहा था सैंडविच, यही आज का मेरा डिनर है, क्योंकि मेरे को कुछ और मंगवाना नहीं है। अगर मैंने कुछ और मंगवाया वो ज़्यादा क्वान्टिटी में आ जाएगा, मतलब वो फुल प्लेट आ जाएगा और मैं फिर वो पूरा खा नहीं पाऊँगा, इसलिए मैंने सैंडविच ऑर्डर कर दिया और मैंने खा लिया, पूरा पेट भर चुका है। अब मैं अपने रूम में जाके रेस्ट करने वाला हूँ, तो आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। मैं सुबह जल्दी उठ के आपको इनकी सारी प्रॉपर्टी दिखाऊँगा, बहुत ही सुंदर बना हुआ है यार, और जगह बहुत ज़्यादा अच्छी। और मैं अभी इधर इनके कैफेटेरिया एरिया में बैठा हूँ, तो सुबह मिलता हूँ। टिल देन गुड नाइट। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग गाइस, टाइम इज़ 9:30। मैं 8 बजे उठ गया था, तो उसके बाद मैं नहाया एंड अभी मैं ब्रेकफास्ट करने आया हूँ। ये मैंने ऑर्डर करी थी हैंड बीटन कॉफ़ी और ये बटर टोस्ट, एंड ये तो मैं घर से लेकर आया था, ये और ये भी। तो इसके बाद मैं 10 बजे चेकआउट करके ना, इधर कोई कासल है नागर कासल, और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। और ये मैंने अभी प्रॉपर्टी भी अपने व्लॉग में नहीं दिखाई, बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। तो इसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं पहले ये काम करता हूँ, और दिन काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ है। अभी इधर से मेरे को स्नो पीक माउंटेन दिखने शुरू हुए हैं, वो देखो, तो ये व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और ऐसी मॉर्निंग होनी चाहिए, और क्या ही सही है। अभी मेरी आईज थोड़ी पफी लग रही हैं क्योंकि स्लीपी आईज है, बट मैं कोल्ड वाटर शावर लेके आया हूँ। तो बस आज का दिन अभी ऐसे स्टार्ट हुआ है, आगे आगे जो होता है मैं आपको दिखाता हूँ। Circles, love feels so invincible. Feel you when there's no one around. Your beauty's so amazing. अभी मैंने बाइक यहाँ पे लगाई थी और ये फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं इधर के स्टाफ, और मैंने भी अपनी क्लिक कर दी है, और चेकआउट मैंने कर दिया है, सामान सारा मैंने बाहर रख दिया। अब इसके बाद मैं कहीं पे घूमने जाऊँगा, और अभी मैंने हुडी पहनी है तो मेरे को गर्मी लग रही है, पता नहीं मैं जैकेट कैसे पहनूंगा, जो भी है बढ़िया है। बाइक बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है यार। तो हे गाइस, दिस इज़ द एंट्रेंस, यहाँ से एंट्रेंस है, और ये रिसेप्शन डेस्क, ये इधर डॉम वगैरह है, मैं आपको जाके दिखाता हूँ। इधर जहाँ पे मैं स्टे कर रहा था ये सामने डॉम्स है, और ये आंटी है जिनका, ये आंटी ये है जो यहाँ के ऑनर है, खेलना मिलना है तो वो खेल सकता है। बहुत ही प्यारी जगह और ऐसे व्यू के साथ, एंड इसके बाद वर्क स्पेस, इधर बैठ के काम वगैरह करना है किसी भी। और ये रही एक जगह, मैं कल इधर बैठा था। इसके बाद यार ये बहुत सही चीज़ है, रात को जल रही थी।
एक और डब्बू। हाय, तो इसके बाद है ये वॉशरूम है इस साइड और इनकी किचन है नीचे। ये रही एक और जगह, मतलब बैठने को, वहाँ से भी रास्ता आने का, या अगर किसी को यहाँ पे बैठना बैठना है, काम वाम भी करना है जैसे भी, वो यहाँ पे बैठ सकता है। और यहाँ से नीचे जाके वो है, मतलब किसी को नदी के पास जाना है या वहाँ पे बैठना है तो बैठ सकता है। अभी काफ़ी धूप है इसलिए मैं नहीं बैठ सकता। एंड ये तो मैंने एरिया आपको दिखाई दिया, ये इनका रेस्टोरेंट टाइप, ये आई डोंट नो व्हाट्स दिस। और ये देखो कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स है। हॉस्पिटैलिटी वाज रियली गुड, खाना भी अच्छा था। बिनहर, ये नागर कैसल है, बड़ा ही एडवेंचरस रास्ता था बाइक के लिए। और मैं मतलब ले ही आया कैसे भी करके, आपको पता आपका भाई आरसी पे ही हर जगह जाता है, तो अंदर जाके देखा। अभी तो मैंने पार्किंग के ही भाई 80 रुपीज़ दे दिए, यहाँ पे कोई टिकट विकेट ना हो। वो देखो स्नो पीक माउंटेन्स, मैं अंदर आ गया हूँ और 50 रुपीज़ एंट्री थी अगर किसी को भी आना हो यहाँ पे तो उनके लिए। ये टूरिस्ट अट्रैक्शंस अराउंड द कैसल और हियर्स द व्यू, ऐसा है कुछ यहाँ पे। और अंदर होटल भी है मे बी, यहाँ पे होटल रिसेप्शन लिखा हुआ है। और ये पार्किंग, और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, बट मैं तो खा के आऊँ। किचन ये काफ़ी पुराना बना हुआ लगता है, बढ़िया है जैसे भी है। बालकोनी रेस्टोरेंट, मेरे को पहले पता होता मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करता, ये मे बी होटल है, काफ़ी सुंदर है। एंड यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, बहुत ही सुंदर। और ये अंदर क्राउडेड है ये एरिया भाई, मेरे को लगा था इतना क्राउडेड नहीं होगा इसलिए मैं एक्सप्लोर करने जाऊँगा, बट ये तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। I love